गुड मॉर्निंग क्लास। इन योर मैथमेटिक्स वी वर स्टडिंग दी चैप्टर 2 एंड हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। अब हमारी सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज रिमेनिंग है एक्सरसाइज 2.6। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बुक्स के एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज में टोटल आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से याद रखना है आपको कि 6 और 7 क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ठीक है। 6 एंड 7 क्वेश्चन मैं हटवा दिया हूँ आपके कोर्स से, आपको सिर्फ 1 to 5 ही हमको सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस आपको एज यूजुअल क्या करूँगा, होमवर्क दे दूंगा। तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। ये एज इट इज सिमिलर है आपका एक्सरसाइज 2.5 की तरह। अगर आपसे एक्सरसाइज 2.5 बहुत अच्छे से बनता है तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो जैसे हमारे पहला क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिया है कि 8x-3/3x=2 है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखो, ये डिवीजन में है इधर, तो अगर ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8x-3=2×3x, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कैसे हो जाएगा, 8x-3=2×3 हो जाता है 6x हो गया। अब क्या हो जाएगा, x और x वाले को हमें एक साथ रखना है, तो ये 3 कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x-6x=3 हो जाएगा। क्यों, यहाँ 6x प्लस में है, इधर जाके आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8x-6x कितना हो जाएगा, 2x=3। x = कितना आ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा के एज इट इज सॉल्व कर देना है, जैसे अभी तक हम क्या करते आए थे, सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अब मूव कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में आपको दिया गया है कि 9x/7-6x=15 के बराबर है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जो यहाँ दिया गया है डिनोमिनेटर में, उसको यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। ये 7x है, तो ये हो गया 9x=15/7-6x, ठीक है। क्या जाएगा, 9x=15/7-6x, तो यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 9x=, ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 15 × 7 = 105, प्लस माइनस माइनस, तो 15 × 6 = 90x, ठीक है। तो ये इजी है। अब क्या करना है, एक्स वालों को एक साथ कर देना है, यानी ये 90x इधर आ जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9x-90x = 105, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो 99x = 105, तो x = 105/99, ये 3 की डिवाइड हो जाता है, जो उसको 3 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 35/33, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम है इसकी तरह, उसको आपको खुद सॉल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, तो 3y+4/2-6y = -2/5, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, 5 जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी 3y+4×5=-2/6y, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 3y+4×5 and -2 × 2y × -6y, तो 5 × 3 = 15y and +5 × 4 = 20, इसको थोड़ा ध्यान से करना, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ 2 प्लस में है या माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 12y। अब रूल क्या बोलता है,
वाई वाई वालों को एक साथ करो और नंबर नंबर को एक साथ करो, यानी अगर +20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, 12y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -12y हो जाएगा। तो 15y -12y इज इक्वल टू -4 -20, यानी +20 इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी अब इसको ऐसे सॉल्व करना है, 15 माइनस 12 3y, माइनस 4 माइनस 20 माइनस 24, तो 3y यानी y क्या हो जाएगा, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो -8 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने टोटल आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, पर याद रहे 6 और 7 हमको नहीं करना है। इससे अच्छा अगर आपको ये करना ही है तो आप एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करिए। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया है, उसमें एक्सरसाइज 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्लास हमारा चैप्टर 2 आज यही कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोग के लिए आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 16 जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है एंड बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। इसमें आपको दो एक्सरसाइज है टोटल, 16.1 एंड 16.2। तो अभी मैं आपको सिर्फ 16.2 बता रहा हूँ, 16.1 वाले हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जो हमारी क्लास कल रहेगी सुबह सुबह उसमें हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 16.2 में हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या करना क्या है हमको एक्सरसाइज में। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, हमें नंबर्स के साथ प्लेइंग करना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको डिविजिबिलिटी रूल जानना है, डिविजिबिलिटी रूल्स जानना है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, कोई नंबर 4 से है कि नहीं है, 6 से है कि नहीं है, 9 से है कि नहीं है, 10 से है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं है। यानी ये हमको इतना जानना है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, आप लोगों को उसमें इसके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो हम इसको रूल्स बाय रूल्स पढ़ेंगे। पहले हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 9, फिर 10 और फिर 5, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन याद रहे बुक में 4 और 6 नहीं दिया है, पर मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि 4 और 6 से कैसे जानना है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2, कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या जानना रहेगा कि नंबर इवन होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि सारे इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। सारे इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो तो वो डिविजिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2, 1, 3, 5, 8, 9, 0, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? इसका लास्ट नंबर क्या है, इवन है, 0 आ रहा है, और इवन क्या है, मतलब 0 क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब मान लो मैं ऐसे दे देता 3, 1, 3, 4, 4, 3, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है, 3 है, और लास्ट नंबर इवन नहीं है, क्या है, ऑड है, और जहां पे लास्ट नंबर ऑड होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होते हैं। अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी नंबर दिया गया है उन सबको ऐड कर दो, क्या करो, सम करो उनका, और देखो क्या वो नंबर 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। वो देखो, ट्राई करो कि वो नंबर 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लो मैंने दे दिया कि पता करो 729 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो करना क्या है, इन सारे नंबर्स को ऐड करो, यानी 7 + 2 + 9 इनको ऐड करो। तो 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब 18 जो है 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 18 3 की टेबल में आता है, इट मीन 729 इज डिविजिबल बाय 3। 729 क्या 3 से डिविजिबल है। मान लो इसकी जगह मैं दे देता कि 815, क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, पता करो। तो क्या करते, 8 + 1 + 5, तो 8 + 1 9, 9 + 5 14, तो क्या 14 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, 14 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 + 4
बी कर सकते हो 5, 5 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको 3 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करना है, सारे नंबर्स को ऐड करो और देखो कि क्या वो 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एक इजी क्वेश्चन था। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कैसे पता चलेगा कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको याद रखना है कि मेरा ये यूनिट प्लेस है, किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस रहेगा वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, वरना वो डिविजिबल नहीं होगा। चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है मेरी 5 है। मान लो ऐसे मैं दे दूँ 1999999990, तो क्या ये डिविजिबल है? हाँ, यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो जो कि 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। मान लो ऐसे दिया रहता 187653, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है, जबकि क्या होना चाहिए था? 5 है, 0 होना चाहिए था। तो ये आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। डिविजिबिलिटी रूल मैंने किसका किसका बता दिया, 2, 3 एंड 5 का बता दिया। अब एक और इजी वाला जान लेते हैं, 9, बाकी जो टफ है वो हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी 3 की तरह ही है कि जो भी नंबर दिया है उनका सम करो और देखो वो 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, वो 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, यानी उसकी तरह है। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया 111 तो आप बोलोगे 1+1+1 ये तो 3 है, पर ये 3 जो है 9 की टेबल में नहीं आता है। 9 की टेबल में क्या क्या आता है? 9 आता है, 18 आता है, यानी जो भी नंबर आ रहा है, जो भी नंबर आपका बनना चाहिए उसका सम आपका 9 ही आना चाहिए, बाद में भी प्लस करना चाहिए। मान लो 72 आ रहा है किसी का सम, तो 7+2 भी 9 होता है, तो ये 9 की टेबल में आ रहा है, तो वही नंबर आपके 9 से डिविजिबल होंगे, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। कि मान लो जैसे ये वाला था, अब मान लो इसकी जगह ये दे देता 108, हाँ 1+0+8 कितना होता है 9, और 9 9 की टेबल में आता है, हाँ आता है, मतलब वो नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5, 9 ये पढ़ लिया, अब मान लो हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 पढ़ना है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 पढ़ना है, ठीक है। तो 10 के लिए क्या है कि आपका जो यूनिट प्लेस होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस होना चाहिए वो लास्ट में 0 आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा, वरना वो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 1 लाख, 10 लाख या 2020 रुपीज, 2030, ये सब आता है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। तो 10 का आपके लिए इजी है, जैसे 5 के लिए था यूनिट प्लेस 5 और 0 होना चाहिए, इसमें केवल यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। अब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? 6 से डिविजिबल वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं कि 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 526, एंड एक एग्जांपल है 525, ठीक है, ये दोनों रूल देखते हैं। जैसे कि एक ये हो गया, और एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 522, हाँ ये तीनों ले लेते हैं। जैसे कि अब ये लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं देखते हैं, 3 से कैसे देखते हैं, 5+2+6, तो 5+2 7, 7+6 13, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 13 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी 526 सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आप चाहे तो उसको डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं आएगा। अब 525 देखते हैं, तो 525 में ये लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, यानी ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। अब बात आती है 522 की, तो देखते हैं 5 ये लास्ट में इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल होगा ही होगा,
अब 5 + 2 + 2 करते हैं 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए, तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी ये 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, कंफर्म है। इसका मतलब जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। करके देखते हैं 522 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 8 जा 48, 4 2 कैरी 7 जा 42, यानी ये 6 से भी डिविजिबल है। तो 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक नंबर से डिविजिबल हो तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये याद रखना है, 6 से डिविजिबल कैसे होगा, जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 वाला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास आज हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए केवल 4 को छोड़कर। तो चलिए जल्दी से एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं एंड फिर हम लोग आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि पता करो कि 2, 1, 4, 6, 5, 8, 7 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको ये बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सब सब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड कर दो, है ना। सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना, और देखना है कि ऐड करने के बाद वो 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 13 + 5 = 18, 18 + 8 = 26, and 26 + 7 कितना हो जाता है, 26 + 7 = 33, 33 आ रहा है। अब 33 तो 3 की टेबल में आता ही है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 3 + 3 = 6 है, इसको बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो 3 + 3 = 6 है जब तक सिंगल यूनिट नहीं आ जाता, और 6 जो है 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आपको डिवाइड करके दिखाना नहीं है, सिर्फ पूछा है डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आपको ऐसे करना है एंड लिखना है कि हाँ ये 6 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा ही होगा। तो क्लास इजी है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, बस आपको क्या याद रखना है, डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, जो आपको बुक में भी दिया हुआ है और मैंने भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड क्लास आप लोगों का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसको आप कॉपी में अच्छे से फेयर कॉपी में कंप्लीट करके रखिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, एंड कल की क्लास जरूर अटेंड करिएगा क्योंकि कल आपका चैप्टर 16 कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग 16.2 एक्सरसाइज और 16.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू।